हेलो दोस्तों, आज हम ये डिजाइन बनाएंगे। इसे आप बच्चों की फ्रॉक में भी डाल सकती हैं, इस डिजाइन को कान्हा जी के पोशाक में भी डाल सकती हैं, राधा रानी जुगल जोड़ी में भी डाल सकती हैं आप इसे। इस डिजाइन को आप कई तरह से यूज में ला सकती हैं। देखिए, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। देख रही हैं आप ये डिजाइन, ये दोनों तरफ से एक समान बिल्कुल लगता है। आप इसे दोनों तरफ से बना सकती हैं, एक जैसा दोनों तरफ लगता है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसे देखिए, हम यहाँ पे 4 5 1 4 यानी 8 9 10 यहाँ से यहाँ तक जो हम डिजाइन बनाए हुए हैं, ये चार लाइन चार फंदा का है, बीच में एक है, फिर एक चार है, फिर एक है, फिर चार है, फिर एक है, यानी यहाँ से यहाँ तक आप अगर ये दो देखेंगी, दो डिजाइन अगर आप देखेंगी, ये दो डिजाइन अगर दो आप देखेंगी, तो 4 5 और 4 9 10 यानी 10 और 5 15 और 5 20 20 फंदों से आप इस डिजाइन को बना सकती हैं। ये जो आप देख रही हैं, ये एक देख रही हैं, इस तरह का दो आप 20 फंदों से बना सकती हैं। यानी कि हम यहाँ पे 4 फंदा उल्टा, ये जो आप जोड़ देख रही हैं, चोटी देख रही हैं, इसके इधर 4 फंदा है और इसके इधर 4 फंदा है, और दोनों तरफ इसमें सेम बुनाई होता है। जिस तरह से हम आगे पल इस तरफ का लाइन बुनेंगे, उसी तरह हम पीछे तरफ से भी बुनेंगे। तो देखिए, इसे बुनने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला फंदा उतार लेंगे। आप एक फंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा ले सकती हैं, 4 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे हम ये 4 फंदा डायरेक्ट बनाए हुए, एक फंदा हम एक्स्ट्रा नहीं लिए हुए हैं। अब ये जो आप देख रही हैं, ये चोटी जो चला गया है, चोटी को हम यहाँ इस तरीके से नहीं बुनेंगे, इस पे हम इस तरीके से सिलाई को डालेंगे और एक सीधा बुन लेंगे इस तरह से। उसके बाद इस फंदा को हम गिरा देंगे, फिर 4 फंदा बुनेंगे, 1 2 3 4। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से हम फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4। फिर से ये चोटी है, तो चोटी पे हमें यहाँ नहीं सिलाई को डालना है, हमें सिलाई को इसके नीचे इस स्थान पे डालना है और सीधा बुन लेना है। इसके बाद इसे हम गिरा देंगे, फिर से फंदे को सिर्फ एक जगह हमें अपनी ओर करना है। जब ये उल्टा आएगा, यहाँ पर जब ये उल्टा आएगा, उस जगह में फंदे को अपनी ओर करना है, बस एक ही बार। तो इस तरह से देखिए, हम 4 यहाँ पे बुने, 4 फंदा बुने, अब एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे फंदे को अपनी ओर करके, फिर फंदे को नीचे की ओर करेंगे और 4 सीधा बुनेंगे, 2 3 4। और फिर ये जोड़ चोटी आ गया, इसे हम नीचे से लेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4, और फंदे को अपनी ओर करेंगे और 5वां जो है यहाँ पे, ये हम उल्टा बुन लेंगे। तो ठीक इसी तरह से देखिए, जिस तरह से ये हम एक लाइन बुने, अब हम आपको इतना दूर में ही बतला रहे हैं, हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हम क्या करना है हमें, जैसे कि अब हम इस तरफ आ गए, पलटने के बाद इस तरफ आ गए, दोनों तरफ से तो एक समान बुनाई होता है यहाँ पर, तो इस फंदे को हम इस तरह से, यहाँ जो चोटी है इस पे हम नीचे की ओर से इस तरह से फंदे लेंगे, ये, और इसे गिरा देंगे, फिर 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4, फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4। फिर से यहाँ पे आ गया आपको ये चोटी, तो इस पे हम यहाँ पे सिलाई को डालेंगे और सीधा बुन लेंगे, फंदे को गिरा देंगे, फिर से 4 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 2 3 4, फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक उल्टा बुनेंगे, फिर से 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर से एक सीधा बुनेंगे, 4 फंदा फिर सीधा बुनेंगे, 2 3 4, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब जो बचा है 4 फंदा, इसे हम सीधा बुन लेंगे, 1
दो, तीन और ये रहा चार। तो इस तरह से देखिए दोनों तरफ बुनाई इस पे सेम होता है, दोनों तरफ एक ही ढंग से हम बुनेंगे। और देखिए जब ये बुन लेंगे आप अच्छी तरह से, तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पे ये चून टाइप का बन जाएगा, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। या आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं इस डिज़ाइन को। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।